हेलो बच्चों, आई एम रश्मि योर मैथ्स टीचर। तो आज इस वीडियो में हम हमारा जो बचा हुआ पार्ट है, मतलब सम फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स के अंदर हम चार टॉपिक यहाँ पे पढ़ चुके थे। हमने पॉलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ देखा था, कैसे बना था, डोमेन देखा, रेंज देखा, उसका बिहेवियर देखा, फिर हमने आइडेंटिटी फंक्शन देखा, कॉन्स्टेंट फंक्शन देखा और रैशनल फंक्शन देखा। अब उसके बाद में जो हमारा फिफ्थ है, मॉड्यूलस फंक्शन। तो अब जो भी फंक्शन आएंगे ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सीधा सीधा क्वेश्चन के यहाँ पे पूछा जाएगा, डिफाइन मॉड्यूलस फंक्शन एंड उसकी डोमेन रेंज फाइंड करके बताओ, उसका ग्राफ ड्रॉ करके बताओ। तो ये अब आपका आएगा मॉड्यूलस फंक्शन, फिर आपका आएगा सिग्नम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन थे, तो इनको आप अच्छे से समझना। तो पैटर्न हमारा वही रहेगा जो हमने अभी लास्ट इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में किया था, कि जो भी फंक्शन हमारे पास आएगा उसका सबसे पहले हम बिहेवियर देखेंगे। बिहेवियर से हमें यहाँ पे डोमेन और रेंज समझ में आ जाएंगे, और डोमेन और रेंज के जो भी हम यहाँ पे इंटीजर, जो भी हम रियल नंबर्स अंदर डालेंगे, उसके बीच के रिलेशन को हम यहाँ पे किससे डिफाइन करते हैं, ग्राफ से। तो यही चार चीज आपको ध्यान रखनी है। फर्स्ट बिहेवियर, बिहेवियर से आपका डोमेन आ जाएगा, रेंज आ जाएगा, और इन दोनों के बीच के रिलेशन को हम किससे डिफाइन करते हैं, यहाँ पर ग्राफ से। तो ग्राफ तो हम इजिली टेबल बना के कर लेते हैं। तो मॉड्यूलस फंक्शन क्या होता है, तो आपको यहाँ पे पहले भी मैं मोड नंबर एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ठीक है। तो मोड अगर आपको समझ में आ गया तो आप इजीली समझ जाओगे कि यहाँ पे इसका बिहेवियर कैसे होता है। तो द फंक्शन, फंक्शन आपका वही आर से आर में, क्योंकि हम यहाँ पे रियल फंक्शंस पढ़ रहे हैं। ये सारे जो भी पार्ट है, यहाँ पे फिफ्थ पार्ट अभी हमारा चल रहा है, ये सारे रियल फंक्शंस है। तो रियल फंक्शन क्या है, रियल वैल्यूड फंक्शन क्या है, मैं आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो द फंक्शन एफ आर टू आर डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स। तो ठीक है, तो एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स आपका फंक्शन है, और आर से आर में इसको डिफाइन किया हुआ है। सारे एक्स आपके यहाँ पे कहाँ से आ रहे हैं, रियल नंबर में से आ रहे हैं, इसको हम मॉड्यूलस फंक्शन कहते हैं। तो वही हम अपना मिस्ट्री बॉक्स लेकर के आते हैं, मैजिक बॉक्स, जहां से हमें पता चले कि हमारा डोमेन क्या है, रेंज क्या है। तो ये हमारा बन गया यहाँ पे मैजिक बॉक्स। हमारे पास फंक्शन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू, या वाई इक्वल टू हम लेते हैं, वाई इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स हो गया। डालो, अब आप इसमें इनपुट क्या क्या डाल सकते हो। तो देखो, मैं इसमें इनपुट डाल सकती हूँ पॉजिटिव नंबर, सारे पॉजिटिव। मैं अगर इसमें वन डालूंगी तो मोड ऑफ वन मेरा क्या हो जाता है, वन हो जाता है। तो मोड एक्चुअल में क्या करता है, इसके अंदर आप कोई भी नंबर डालो ये हमेशा आंसर पॉजिटिव देता है। मोड का क्या काम होता है, अपने अंदर लेगा तो सारे नंबर, लेकिन जब बाहर निकालेगा, जब वो इनपुट में तो सारे नंबर लेगा, लेकिन जब आउटपुट की बात आती है तो ये सारे पॉजिटिव जब भी इसके पास आएंगे तो पॉजिटिव के साथ ये कुछ नहीं करेगा। पॉजिटिव आएगा तो ये सीधा बैठा रहेगा, कुछ नहीं करेगा। जो नंबर आ रहा है वो सीधा का सीधा चले जाओ। जीरो आएगा तब भी ये कुछ नहीं करेगा, जीरो को बोलेगा तुम भी एज इट इज चले जाओ, ठीक है, क्योंकि ये इसकी कंडीशन को सेटिस्फाई करे। लेकिन जैसे ही इसमें नेगेटिव नंबर आता है तो ये एक्टिव हो जाता है, और नेगेटिव नंबर को ये सीधा का सीधा बाहर नहीं जाने देता है। ये नेगेटिव नंबर को क्या कहता है, तुमको अगर मेरे अंदर से बाहर जाना है तो मेरे यहां से एक नेगेटिव साइन को और लेकर के जाना होगा। तो नेगेटिव साइन को देकर के और ये क्या करेगा, उसको पॉजिटिव बना देगा। तो मोड का, फंक्शन का यहां पे बिहेवियर होता है कि ये अपने अंदर लेता तो सारे नंबर है, लेकिन जब ये आउटपुट देता है, नंबर को अपने अंदर से बाहर निकालता है, तो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को ही बाहर निकालता है, इसमें से कोई भी नेगेटिव वैल्यू बाहर नहीं आती है। तो मैंने इसको बोला कि तुम वन ले लो, तो इसने बोला ठीक है, वन लिया, उसने वन बाहर दे दिया। फिर मैंने इसको बोला आप टू ले लो, तो इसने टू भी लिया और टू को एज इट इज बाहर निकाल लिया। फिर इसने, मैंने इसको बोला आप जीरो ले लो, तो इसने जीरो भी जैसा का जैसे इसने बाहर निकाल लिया। चुपचाप बैठा रहा, कुछ नहीं किया। लेकिन जैसे ही मैंने इसको बोला कि आप माइनस वन ले लो, तो इसने माइनस वन को एक माइनस और देके इसको भी क्या बना दिया, प्लस बना दिया। तो ये काम कैसे करता है, पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव एज इट इज बाहर आ गया, और जीरो आया तो जीरो पे एज इट इज बाहर आ गया। लेकिन जैसे ही इसके अंदर कोई नेगेटिव नंबर आएगा, ये उसको एक साइन माइनस का और दे देगा। ये इस तरह से काम करता है, ये कहेगा तुमको अगर बाहर जाना है तो मेरे से एक माइनस लेके जाओ। तो ये माइनस जब बाहर लेके जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो मोड ऑफ माइनस वन आपका यहाँ पे क्या हो जाता है, वन हो जाता है। अब सेम अगर मैंने इसको बोला कि आप मोड माइनस फाइव को, इसको मैंने माइनस फाइव दिया, तो ये क्या कहेगा, इसके आगे एक और माइनस लगा देगा और इसको भी क्या बना देगा, प्लस बना देगा। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया, इनपुट में हम यहाँ पे कोई भी नंबर दे दें, लेकिन आउटपुट में हमेशा ये हमें पॉजिटिव नंबर ही देगा, ये इसका बिहेवियर है। तो इसका बिहेवियर क्या है, इनपुट में तो सारे नंबर्स ये ले सकता है, तो सारे नंबर्स हमारे कौन से होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। तो इनपुट में तो सारे रियल नंबर जा सकते हैं, लेकिन आउटपुट में कौन आएगा, आउटपुट में ओनली
ही यहाँ पे जीरो आएगा और सारे पॉजिटिव नंबर आएंगे। ये समझ में आ गया इजीली, ये इसका बिहेवियर था। तो देखो मॉड्यूलस एक्स को हम लिखते कैसे हैं, तो मॉड्यूलस एक्स को हम लिखेंगे, तो एफ एक्स फंक्शन हमारा क्या है, एफ एक्स इक्वल टू मॉड्यूलस एक्स। तो जब भी वैल्यू एक्स से ग्रेटर और इक्वल जीरो आएगी, जब भी हमने यहाँ पे एक्स की वैल्यू, रियल नंबर को हम यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि हमें देखा ये फंक्शन के बिहेवियर के अकॉर्डिंग हम लिख रहे हैं, अगर एक्स की वैल्यू यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो आती है, अगर ये एक्स के अंदर हम इसकी एक्स की वैल्यू को यहाँ पे जीरो दे दें या जीरो से सारी बड़ी वैल्यू, यानी कि जीरो से लेके 1, 2, 3, 4, 5, 6 से लेके इन्फिनिटी तक अगर हम इसको वैल्यू दे दें, तो ये कहेगा कि तुम एज इट इज बाहर चले जाओ, तुम में कोई चेंज नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही इसमें एक्स की वैल्यू जीरो से छोटी आ जाती है, जीरो से छोटी मतलब -1, -2, -3, -4 से लेके इन्फिनिटी तक नेगेटिव वैल्यू आ जाती है, तो ये उसके साथ क्या करेगा, एक नेगेटिव लगा के उसको पॉजिटिव बना देगा। तो एक्चुअल में ये भी पॉजिटिव वैल्यू है और ये भी पॉजिटिव वैल्यू है, ये तो वैसे ही पॉजिटिव है, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो सारी वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी। और एक्स लेस देन जीरो में एक्स की जगह पे आप क्या रखोगे, एक्स की जगह -1 रखोगे, तो एक माइनस लगा के ये प्लस कर देगा, अगर आपने -5 रखा है तो एक माइनस लगा के ये प्लस कर देगा। तो एक्चुअल में ये दोनों ही यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव वैल्यूज है। तो अब आपको यहाँ पे समझ में आ गया डोमेन यहाँ पे क्या होगा, तो डोमेन यहाँ पे होगा सारा इनपुट जो जाने वाला है, तो सारा इनपुट यहाँ पे जा रहा है रियल नंबर, और आउटपुट में कौन आ रहा है, तो वो होगा हमारा रेंज। तो रेंज आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो होगा या फिर पॉजिटिव होगा, नहीं तो आप इसको एरो डायग्राम से भी समझ सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे इस तरह से एरो डायग्राम बना दो, इसमें सारे रियल नंबर डालो, और यहाँ पे जब आप इसकी मैपिंग करोगे देखोगे सिर्फ पॉजिटिव के साथ इसकी मैपिंग हो रही है। तो हमारे हम डोमेन और रेंज में तो यही देखते हैं, जिससे मैपिंग स्टार्ट हो रही है वो डोमेन होता है, जिस पे जाके मैपिंग कनेक्ट हो रही है, जिस पर मैपिंग हो रही है वो हमारा रेंज होता है। तो ये हमारा इस फंक्शन का डोमेन यहाँ पे क्या हो गया, तो डोमेन में हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हम -∞ से लेके प्लस इन्फिनिटी तक सारे नंबर डाल पा रहे हैं, तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया, डोमेन हो गया। तो डोमेन हमारे क्या होते हैं, ऑल इनपुट होते हैं। तो ऑल इनपुट यहाँ पे जो -∞ से प्लस इन्फिनिटी तक के सारे नंबर को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, रियल नंबर, तो ये हमारा डोमेन हो गया। फिर रेंज आपका यहाँ पे क्या हो गया, तो रेंज हमारे यहाँ पे होता है ऑल आउटपुट, जो इसमें से इस मशीन में से जो बाहर निकल के आ रहा है वो हमारा आउटपुट होता है। तो आउटपुट हमारा या तो जीरो आएगा या फिर सारे पॉजिटिव नंबर आएंगे, यही दो तरह के नंबर यहाँ पे आएंगे। तो इस तरह से ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे लिखना हो तो जीरो इसमें आंसर आएगा, जीरो को इंक्लूड कर रहे हैं तो हम यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट बनाएंगे, और यहाँ पे आर पॉजिटिव, तो यानी कि सारे प्लस इन्फिनिटी, तो इस तरह से इसको लिख सकते हैं। दो तरीके से आंसर आप लिख सकते हो, 0, r+, ये भी ठीक है, और आपने इस तरह से आंसर लिखा तो जीरो को इंक्लूड करते हुए इन्फिनिटी तक सारे नंबर्स इस ब्रैकेट में से हम यहाँ पे दिखाते हैं, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे क्या हो गया, ठीक है, तो ये हमारा क्लोज ब्रैकेट हो गया, इसका मतलब हम जीरो को यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं, और ये ओपन है मतलब इन्फिनिटी, हमें पता है कोई नंबर नहीं होता, एक सिंबल होता है जो दिखाता है कि बहुत बड़ा नंबर है, तो सारे पॉजिटिव नंबर को ये यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये आपको डोमेन समझ में आ गया, रेंज समझ में आ गया, एकदम ये हमें देखते ही और आपको डोमेन रेंज समझ में आ गया। नाउ अब थर्ड पॉइंट, बिहेवियर हम यहाँ से देख चुके हैं, डोमेन रेंज हमें बिहेवियर से समझ में आ गए, अब इसका ग्राफ देखते हैं। तो ग्राफ के लिए वही हमें टेबल बनानी पड़ती है, तो हम यहाँ पे टेबल बनाते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे दो फंक्शन है, ये मोड एक्स इक्वल टू एक्स एक फंक्शन है और मोड एक्स इक्वल टू -1 x दूसरा फंक्शन है। यहाँ पे हम सारी पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे, यहाँ सारी नेगेटिव वैल्यू रखेंगे, तो टेबल भी हम यहाँ पे दो बना लेते हैं, ठीक है, दो बनाने से हमें इजीली समझ में आ जाएगा। तो ये एक्स ले लिया, ये वाई ले लिया, तो सबसे पहले अगर एक्स जीरो रखा, इसकी अगर अभी हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे अभी फंक्शन हमारा कौन सा है, मोड एक्स इक्वल टू आपका एक्स है, कब, जब एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। तो एक्स जीरो रखा तो जीरो बाहर आ गया, ये वाई इक्वल टू, ये ना एफ एक्स इक्वल टू का या वाई इक्वल टू का, यही बात है, ग्राफ में हम एक्स एंड वाई लेते हैं। जब मैंने यहाँ पे एक्स इक्वल टू मैंने 2 रखा तो मोड एक्स उसको एज इट इज बाहर निकाल देगा, जब मैंने x इक्वल टू यहाँ पे 4 रखा तो मोड x को एज इट इज बाहर निकाल के 4 कर देगा, और 3 रखा तो ये 3 कर देगा। अब यहाँ पे दूसरा हम लेते हैं कि y इक्वल टू माइ, यहाँ पे मोड x, अब यहाँ पे क्या काम करेगा, y इक्वल टू मोड x आपका -1, एक माइनस एक्स्ट्रा दे देगा जब आपका x लेस देन 0 है, ये इसी तरह काम करेगा। तो इसके लिए आपकी टेबल क्या हो जाएगी, इस तरह से, तो दो टेबल हम यहाँ पे बनाएंगे, ये x हो गया, ये y हो गया। अब लेस देन 0 वैल्यू देनी है,
तो मैंने इसको कहा कि तुम -1 ले लो, तो ये क्या करेगा, -1 के आगे एक -1 और माइनस और लगा के माइनस माइनस प्लस कर देगा। मैंने इसको -2 दिया तो ये इसको क्या कर देगा, 2 बना देगा। मैंने इसको यहाँ पे -3 दिया तो ये इसको 3 बना देगा। मैंने -4 दिया तो ये इसको 4 बना देगा। ठीक है, ये हमारे टेबल बन गए। अब ग्राफ तो आप इजिली बना सकते हो, तो ये मैंने एक्सेस यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पे पॉइंट्स को प्लॉट करो, जब एक्स 0 तो वाई भी 0, तो ये लाइन हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। फिर ये हमारा पॉइंट हो गया 0 0, मीन्स अभी हम ओरिजिन पे। फिर x2 y2, तो ये हमारा x2 हम यहाँ तक चले, y2 मतलब हम ये यहाँ तक चले, ये पॉइंट हो गया। देन x4 y4, तो ये हम यहाँ से यहाँ तक चले 4। x के लिए हम चलते हैं हॉरिजॉन्टल, y के लिए चलते हैं हम वर्टिकल। तो ये 3 पॉइंट मैंने यहाँ पे ले लिए। और ये 3 3 को भी देखो, तो x3 चले और y भी हम यहाँ पे 3 चले, तो ये पॉइंट हो गया। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट हमें इस तरह से मिल रहे हैं। फिर दूसरे वाले ग्राफ के लिए देखो, तो x1 तो y -1, तो ये 1 और ये -1, तो ये हो गया यहाँ पर पॉइंट। ठीक है, फिर x -2, तो x यहाँ पे -2, तो y आपका 2, तो ये आपका पॉइंट यहाँ पे हो गया। फिर x आपका 3, x आपका यहाँ पे कितना है, -3, तो y 3 है, तो ये आपका यहाँ पे आ गए हम। और x अगर आपका -4 है, तो y कितना है, 4 है, तो ये आपको यहाँ पे आ गए। ठीक है, तो अब हम इसको ज्वाइन कर ले पॉइंट्स को। तो हम इसको ज्वाइन करेंगे, ये सारे पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे इस तरीके से। तो ये पॉइंट हमने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया, और इन पॉइंट को भी हम ज्वाइन करेंगे इस तरीके से। तो ये पॉइंट हमने यहाँ पे ज्वाइन कर लिए, तो ये आपका बन गया ग्राफ। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे क्या बनेगा, ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो बिल्कुल इजी है ये क्वेश्चन, बहुत सिंपल है ये मॉडुलस फंक्शन। आपको अगर पूरा समझ में आ गया होगा ये कैसे हमने डोमेन लिखा, आपको ये बस ये मैजिक बॉक्स यहाँ पे समझ में आना चाहिए कि जो फंक्शन एक मैजिक बॉक्स की तरह काम करता है, अंदर क्या डालना है इसके अंदर, वो आपके डोमेन हो गए, और जो इसके इनपुट डोमेन आउटपुट आपके यहाँ पे रेंज हो गए। फिर जो हमें यहाँ पे जैसे वो फंक्शन बिहेव करता है उसके अकॉर्डिंग हम टेबल बना लेंगे और ग्राफ को प्लॉट कर देंगे। तो अब देखो सिग्नम फंक्शन क्या होता है, तो फंक्शन वही हमारा आर से आर में डिफाइंड होगा, रियल फंक्शन है यहाँ पे। और एफ एक्स इक्वल टू, अब हमारा फंक्शन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू सिग्नम एक्स है। तो अब इसका बिहेवियर समझते हैं, तो एक्चुअल में ये सिग्नम फंक्शन कैसे काम करता है। जैसे हमने यहाँ पे दो तीन चीज़ें देखी है, मैंने अभी यहाँ पे आपको एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर भी सॉल्व करके बताया। तो एक्स स्क्वायर का बिहेवियर क्या है कि इसके अंदर कोई भी वैल्यू डालो ये उसका स्क्वायर करके दे देगा। हमने मोड एक्स का बिहेवियर देखा, मोड एक्स के अंदर आप कोई भी वैल्यू डालो ये उसको पॉजिटिव बना कर दे देगा, यही इसका बिहेवियर है। इसके अंदर कोई भी एक्स की वैल्यू डालो ये सबको क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा, और ये क्या करेगा उसको स्क्वायर कर देगा। लेकिन सिग्नम एक्स यहां पे क्या करता है, इसका बिहेवियर यह होता है कि अगर आपने इसके अंदर कोई भी पॉजिटिव वैल्यू डाली, मैंने यहां पे कोई भी पॉजिटिव नंबर डाला है, तो ये आंसर उसका हमेशा मुझे 1 देगा। पॉजिटिव वैल्यू देखते ही आपको ये आंसर क्या देगा, 1 देगा। और 0 को देखते ही ये आंसर आपका 0 देगा, और जितनी भी नेगेटिव वैल्यू आप इसके अंदर डालोगे तो ये आंसर आपका -1 देगा। ये इसका बिहेवियर होता है। ठीक है, समझ में आ गया। जैसे कि मैंने यहाँ पे 5 डाला इस सिग्नम एक्स के फंक्शन में, इस सिग्नम एक्स को हम शॉर्ट फॉर्म में SGN भी लिखते हैं। तो मैंने 5 डाला, तो ये देखिएगा ये तो पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर है तो आंसर क्या कर देगा, 1 कर देगा। फिर मैंने 2 डाला, तो ये देखिएगा ये भी पॉजिटिव नंबर है, तो आंसर यहाँ पे क्या कर देगा, 1 कर देगा। ये मतलब इनपुट, अगर आपने यहाँ पे 5 डाला तो ये आउटपुट क्या देगा, यहाँ से 1 देगा। अगर मैंने इसके अंदर 0 डाला, तो 0 देखते ही ये आउटपुट मुझे क्या दे देगा, 0 दे देगा। और जैसे ही मैंने इसके अंदर -1 डाला, तो नेगेटिव साइन को देखते ही ये सारे आंसर हमें नेगेटिव में दे देगा। तो इसका काम यही देखना है कि ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है नेगेटिव आ रही है। तो 1 को देख के हमें पता चल जाएगा कि इसके अंदर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, -1 को देख के पता चल जाएगा इसके अंदर नेगेटिव वैल्यू आ रही है। अभी पॉजिटिव वैल्यू 0 से यहाँ पे 1 से लेके इन्फिनिटी तक सारी जाएगा, आप कितनी भी बड़ी वैल्यू डालो ये आउटपुट हमेशा 1 ही देगा। और नेगेटिव में आप चाहे कितनी भी वैल्यू डालो ये हमेशा आउटपुट यहाँ पे क्या देगा, 1 ही देगा। मैंने अगर सिग्नम यहाँ पे -5 डाला तब भी ये उसको क्या कर देगा, नेगेटिव देखते ही ये -1 दे देगा। तो इसका काम हमें सिर्फ यही बताना है कि मेरे अंदर जो वैल्यू आ रही है वो पॉजिटिव आ रही है या नेगेटिव आ रही है। तो 1 को देख के आपको पता चल रहा है पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, 0 को देख के चल रहा है 0 आया, और नेगेटिव को देख के पता चल रहा है कि इसमें सारी नेगेटिव वैल्यू इनपुट में आ रही है। तो 3 चीज हमने यहां से समझी, अगर हम यहां से पॉजिटिव वैल्यू इसके अंदर डाल रहे हैं तो हमें यहां से आउटपुट क्या मिल रहा है, ओनली 1 मिल रहा है। अगर मैं इसके अंदर यहां पे 0 डाल रही हूं तो मुझे आउटपुट यहां पे 0 का 0 ही मिलेगा। और अगर मैंने इसके अंदर नेगेटिव वैल्यू कोई भी डाली है
तो आउटपुट मेरा यहाँ पे -1 आ रहा है। ये तीन तरह के नंबर यहाँ पे आ रहे हैं। तो इसमें तो डालने में, इनपुट में तो आप चाहे जितनी वैल्यू डालो, इनपुट में तो मैं यहाँ पूरा का पूरा रियल नंबर डाल सकती हूँ, नेगेटिव में डालो, पॉजिटिव में डालो, जीरो में डालो, जो वैल्यू आपको यहाँ पे डालनी है एक्स की वो वैल्यू डाल सकते हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 से लेके इन्फिनिटी तक, -1, -2, -3, -4 से लेके इन्फिनिटी तक, और जीरो भी हम इसमें डाल सकते हैं, लेकिन आउटपुट हमें ओनली तीन ही मिलेंगे। कौन कौन से? 1 मिलेगा सारे पॉजिटिव के लिए, 0 मिलेगा 0 के लिए, और -1 मिलेगा सारे नेगेटिव वैल्यू के लिए। तो ये हो गया हमारा फंक्शन, सिग्नम फंक्शन आपको समझ में आ गया। अब देखो इसको, ये फंक्शन को हम यहाँ पे इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं। तो ये मेरा y इक्वल टू fx इक्वल टू, ये मेरा फंक्शन है सिग्नम फंक्शन, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम SGN भी लिख सकते हैं। तो इसका बिहेवियर कैसा होगा? जब हम इसको वैल्यू देंगे x इज ग्रेटर देन 0, अगर आपका x ग्रेटर देन 0 है तो ये आपको आंसर देगा 1, ठीक है। अगर आपका x इक्वल टू 0 है तो ये आपको 0 ही आउटपुट देगा, और अगर आपका x यहाँ पे लेस देन 0 है, सारी x इज लेस देन 0 वैल्यू के लिए, ये आउटपुट आपका क्या आएगा? -1 आएगा। तो ये रहा हमारा सिग्नम फंक्शन, ठीक है। तो ये बिहेवियर आपको आ गया समझ में। अब यहाँ से आप डोमेन लिख सकते हो, इनपुट में तो ये सारे नंबर ले रहा है, सारे रियल नंबर ले रहा है। यहाँ पे x आपका कहाँ से बिलोंग कर रहा है? x आपका R से बिलोंग कर रहा है, तो इनपुट में तो ये सारे के सारे रियल नंबर ले रहा है, लेकिन आउटपुट में हमें तीन ही रिजल्ट दे रहा है, 1 दे रहा है, 0 दे रहा है, -1 दे रहा है। जब हम यहाँ पे इसका एरो डायग्राम जब हम यहाँ से बनाएंगे तो सारी पॉजिटिव, यहाँ पे देखो यहाँ पे तीन ही नंबर आएंगे क्योंकि आउटपुट में तीन ही आ रहे हैं, लेकिन सारी जो पॉजिटिव वैल्यू है 1, 2, 3, 4, 5, 6 से लेकर के, वो सारी 1 से मैपिंग करेगी, 0, 0 से मैपिंग करेगा, और नेगेटिव -1, -2, -3 सारी जो नेगेटिव वैल्यू है वो आपकी -1 से मैपिंग करेगी। तो यहाँ पे जो आपको ये जो आपका क्या हो गया? डोमेन हो गया। तो सारे आर पॉजिटिव, आर नेगेटिव और 0 को मिला के आपका यहाँ पे कौन हो गया? आर हो गया। और रेंज में आपके सिर्फ कौन आएंगे? 1 आएंगे, 0 और गया, और -1 आएगा। तो इजीली हमने यहाँ पे लिख दिया कि हमारा डोमेन यहाँ पर हो गया है, डोमेन आपका यहाँ पे क्या हो गया? -∞ से लेकर हम +∞ तक सारी वैल्यू इसमें डाल सकते हैं, तो ये हमारा हो गया रियल नंबर। और रेंज आपका यहाँ पे क्या हो गया? रेंज मतलब आउटपुट में हमें ओनली 3 ही नंबर मिल रहे हैं, तो रेंज हमारा -1 हो गया, 0 हो गया एंड 1 हो गया। इसके अलावा और कुछ भी हमें रेंज में नहीं मिलेगा, मैपिंग इसकी और किसी के साथ में नहीं होगी। तो अब हम यहाँ पे क्या करें? ग्राफ बनाएं इसका। तो पहले हम टेबल बना लेते हैं। तो ये मैं यहाँ पे बना रही हूँ टेबल, क्योंकि हमें तीन तरह की वैल्यू यहाँ पे डालनी है, तो थोड़ी सी मैंने टेबल यहाँ पे क्या बनाई है? बड़ी बनाई। तो ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं x की जगह 0 डालती हूँ, 0 डालते ही एकदम फंक्शन देखिएगा, 0 आया है, आउटपुट आपको 0 दे देगा। फिर मैं यहाँ पे 1 डालती हूँ, तो ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव के लिए ये 1 ही देता है। मैंने यहाँ पे 2 डाला तो ये देख रहा है ये पॉजिटिव वैल्यू, इसके लिए भी आंसर ये 1 ही देगा। मैंने यहाँ पे 5 डाला, ये पॉजिटिव है तो ये वैल्यू यहाँ पे हमें 1 ही देगा। और जैसे ही मैंने इसको नेगेटिव वैल्यू दी, मैंने -1 दिया, तो ये देख रहा है कि इसके साथ तो नेगेटिव लगा हुआ है, तो ये आंसर दे देगा -1। मैंने -2 डाला तब भी देगा -1, मैंने -3 डाला तब भी देगा -1, मैंने -4 डाला तब भी देगा -1। तो ऐसे आप पॉजिटिव में भी इन्फिनिटी तक वैल्यू पुट कर सकते हो, नेगेटिव में भी इन्फिनिटी तक वैल्यू पुट कर सकते हो, लेकिन आउटपुट हमें ओनली 3 ही मिलेंगे, 0 मिलेगा, 1 मिलेगा या -1 मिलेगा। अब इसको ग्राफ में प्लॉट करके देखें, तो ये अगर आपको फंक्शन अच्छे से पता है, उसका बिहेवियर पता है ना, तो डोमेन, रेंज और ग्राफ आप इजीली विजुअलाइज कर सकते हो, बिना ड्रॉ किए हुए उनके आंसर आप यहां पे लिख सकते हो। तो ये एक्सेस ड्रॉ कर लिया, अब आपको यहाँ पे क्या करना है? एक्सेस ड्रॉ करने के बाद ग्राफ प्लॉट करने। तो एक्स 0 तो वाई भी 0, तो ये तो हमारा यहाँ पे हो गया पॉइंट, एक्स 0 वाई 0, तो ये तो दोनों 0 हो गए, एक्स 0 तो वाई भी यहाँ पे क्या देगा? 0 देगा। तो ठीक है, तो ये यहाँ पे मैंने क्लोज सर्कल बना दिया। फिर नेक्स्ट आपको कहा कि एक्स 1 तो वाई भी 1, तो ये एक्स 1 तो यहाँ से यहाँ तक चले, वाई भी 1, तो ये पॉइंट मुझे यहाँ पे मिला। फिर एक्स 2 तो यहाँ से यहाँ तक 2 चले, तो वाई भी 1, तो ये मैं यहाँ पे बना दिया। फिर एक्स 3 तो वाई भी 1, तो ये मैंने यहाँ बना दिया। एक्स 5 है तब भी वाई 1, तो ये पॉइंट मुझे, अगर ये 5 है तो ये पॉइंट मुझे मिलेगा यहाँ पे। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि एक्स की वैल्यू यहाँ पे चेंज हो रही है, लेकिन वाई की वैल्यू, ये कॉन्स्टेंट फंक्शन की तरह हो गया। एक्स आप चाहे चेंज करते जा रहे हो, लेकिन वाई हमें यहाँ पे 1, 1, 1 ही मिल रहा है, तो ये हमारा ग्राफ यहाँ पे बनेगा स्ट्रेट लाइन में। तो ये हम बनाएंगे इस तरीके से। तो आपको एक तो ये चीज याद रखनी है, देखो
ये यहाँ पे मैंने क्लोज सर्कल इसलिए बनाया है क्योंकि ये सिर्फ एक ही वैल्यू है, ना ये इधर जा रहा है ना ये इधर जा रहा है। अब यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, यहाँ पे ओपन सर्कल बनाएंगे, तो यहाँ पे हम बनाएंगे ओपन इंटरवल, ठीक है। और अभी आपका दूसरा हो गया, तो एक्स आपका यहाँ पे -1 है, तो वाई भी आपका यहाँ पे क्या है, -1 है। एक्स आपका यहाँ पे -2 है, एक्स -2, वाई भी आपका यहाँ पे -1 है। फिर एक्स आपका -3 है, तो ये -3 आ गया, और वाई भी यहाँ पे आपका -1 है। फिर एक्स आपका यहाँ पे -4 है, तो वाई भी आपका यहाँ पे -1 है। तो वही सेम आपका यहाँ पे भी क्या बनेगा, ओपन इंटरवल, यहाँ पे बनेगा ओपन सर्कल हम बनाएंगे। तो ये इस तरह से ओपन सर्कल बनाया, और इस -1 को मैं इधर से टाप के इधर कर देती हूँ, तो ये हो गया -1। और वही ये भी हमारी लाइन यहाँ पे क्या करेगी, चलती रहेगी चलती रहेगी, तो इसीलिए हम यहाँ पे ओपन इंटरवल बना रहे हैं। ये हमारा हो गया ओपन, ठीक है। तो ये यहाँ पे कहाँ तक जा रहा है, वाई इक्वल टू कहाँ तक जा रहा है, -1 तक जा रहा है। ये इसका ग्राफ है, सिग्नम फंक्शन का ग्राफ आपको इस तरीके से बनाना है, ठीक है। तो ये चीज आप यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। तो क्लोज सर्कल का मतलब होता है कि इंक्लूडेड, क्योंकि हमारे पास ये पॉइंट है 0,0, और इसका मतलब क्या होता है, एक्सक्लूडेड। ये जो हम खाली यहाँ पे बनाते हैं इसका मतलब एक्सक्लूडेड। तो वन एक्स वन रखने पर आपका यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। एक्स टू रखने पर ये आ रहा है, तो लेकिन 0,1 तो हमें यहाँ पे नहीं मिल रहा ना। देखो मैंने अब यहाँ पे एक्स 0 रखा है, तो मुझे वाई यहाँ पे 1 थोड़ी ना मिल रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे कि ये वाला पॉइंट हमें यहाँ पे इंक्लूड यहाँ पे नहीं किया है। हमने यहाँ से हमारा चल रहा है 1,1 चल रहा है, देन हमारा यहाँ पे 2,1 चल रहा है, देन 5,1 चल रहा है, देन 4,1 चल रहा है। तो ये इंक्लूडेड नहीं है, एक्सक्लूडेड है। सेम यहाँ पर भी यही है, जब मैंने यहाँ पे एक्स 0 रखा तो मुझे कहीं पे भी वाई -1 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है ना। तो दैट मीन्स ये पॉइंट हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। बट इसका ग्राफ इसी तरीके से बनाते हैं, तो ये हमने इंक्लूड 0,0 हमारे पास पॉइंट है, तो ये इंक्लूडेड हो गया। और ये वाला पॉइंट हमने ओपन इसलिए रखा क्योंकि ये आपने सेट्स में पढ़ा होगा, सेट्स के अंदर हमने देखा है ना, ओपन इंटरवल फिर हमारे क्लोज इंटरवल, तो उनको ये इस तरह से कैसे डिनोट करते हैं। तो ये क्लोज सर्कल को इंक्लूडेड वाले और ओपन सर्कल होते हैं एक्सक्लूडेड वाले। तो हम यहाँ पे 0,1 कोई भी हमारे पास पॉइंट नहीं है, ये एक्स 0 और वाई 1, हमें ऐसा कोई पॉइंट हमारे पास यहाँ पे नहीं है। और अगर इस पॉइंट की बात करें तो एक्स 0 और वाई -1, ये हमारे पास कोई पॉइंट नहीं। लेकिन हम आगे जाते हैं तो 1,1 फिर हमारा 2,1 3,1 4,1 5,1 ये हमें मिल रहा है, तो इसीलिए हमने इसको यहाँ पे ओपन रख दिया एक्सक्लूडेड दिखाने के लिए, ठीक है। और ये ग्राफ आपको एग्जाम में ऐसे ही बनाना है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो हमारा इसका लास्ट टॉपिक इसका बच गया है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, वही द फंक्शन एफ आर टू आर है डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू। तो एक्स को हम इस तरह से क्लोज ब्रैकेट में लिखते हैं, तो इसको हम यहाँ पे क्या पढ़ते हैं, इसको हम करते हैं स्क्वेयर ब्रैकेट एक्स। हम इसको कैसे पढ़ते हैं, स्क्वेयर ब्रैकेट एक्स, इस तरह से हम इसको पढ़ते हैं, या फिर इसको हम स्टेप वाइज फंक्शन भी बोलते हैं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को यहाँ पे एक और नेम है स्टेप वाइज फंक्शन, तो वो क्यों कहते हैं वो भी आगे बताऊंगी। लेकिन हम इसको यहाँ पे इसको इस तरह से पढ़ेंगे, इसको कैसे पढ़ेंगे, जैसे मॉड्यूलस, दो लाइन लगी तो उसको मॉड्यूलस एक्स पढ़ते हैं, एक्स के ऊपर पावर लगी तो एक्स स्क्वायर पढ़ते हैं। और ये जो हमारे यहाँ पे ब्रैकेट है, तो इसको हम बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट एक्स बोलते हैं। और एक्स आपके सारे कहाँ से आएंगे, आर से। अब इसका बिहेवियर देखो, ये एक्चुअल में करता क्या है, तो ये इसका बिहेवियर है, इस ब्रैकेट के अंदर आप यहाँ पे एक्स की कोई भी वैल्यू डालो, जैसे मैंने 2 डाली तो ये बाहर 2 लिखा आ जाएगा। मैंने इनपुट में 2 रखा, एक्स की जगह 2 रखा, आउटपुट में मेरा 2 आ गया। मैंने यहाँ पे इनपुट में -2 रखा तो ये मुझे -2 दे देगा। मैंने यहाँ पे इनपुट में 0 डाला तो ये मुझे 0 ही दे देगा। तो आप सोच रहे होंगे इस फंक्शन का फिर काम क्या है, जो हम डाल रहे हैं वही का वही दे रहा, तो ये तो सिग्नम मैं जैसे था कि नेगेटिव डालो तो हमको -1 दे रहा, पॉजिटिव डालो तो +1 दे रहा, लेकिन एक्चुअल में ये फंक्शन क्या कर रहा है। तो ये फंक्शन आपको यहां से समझना है, ये फंक्शन क्या करेगा, देखो अब कुछ और वैल्यू डालती हूँ, तो इससे पहले मैं एक यहाँ पे नंबर लाइन बनाती हूँ, नंबर लाइन से आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये 0 देन 1 देन 2 देन 3 देन 4 और यहाँ पे -1 -2 -3। अब ये फंक्शन क्या करता है, मैंने 2 ने डाल के मैंने यहाँ पे 2.2 डाला, तो अब ये फंक्शन एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि अभी तक तो हम सिंपल इंटीजर्स ही डाल रहे थे। तो अब मैंने यहाँ पे क्या डाला, इंटीजर नहीं डाला, मैंने डेसिमल नंबर डाला, तो अब ये एक्टिव हो जाएगा। अब ये कहेगा कि तुमसे जो जस्ट छोटा इंटीजर है वो बाहर जाएगा, तो 2.2 से जस्ट, यहाँ 2.2 यहाँ है, तो 2.2 से जस्ट छोटा नंबर कौन सा है, तो यहाँ पर 2 है, तो ये बाहर कौन देगा, 2 को बाहर देगा। अगर मैंने यहाँ पे 2.9 डाला तो 2.9 से जस्ट, 2.9 यहाँ आएगा,
2.9 से जस्ट छोटा इंटीजर कौन सा है, तो 2 है, तो अब कहेगा कि तुम 2 बाहर जाएगा। तो ये क्या कहता है कि अपने अंदर यहाँ पे कोई भी नंबर डालो, रियल नंबर में से कोई भी नंबर डालो, लेकिन ये उससे जस्ट छोटा इंटीजर ये बाहर देगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे जैसे मैंने डाला कि यहाँ पे 3.5 डाला, 3.5 डाला, यहाँ पर आएगा मिड में 3.5 से जस्ट छोटा इंटीजर कौन सा है, 3 है, तो ये बाहर किसको जाने देगा, 3 को जाने देगा। अब कुछ नेगेटिव नंबर लिखते हैं, तो मैंने यहाँ पे -2 डाला था, तो मैं यहाँ पे डालती हूँ -2.5 डाला, मैंने -2.5 डाला, तो -2.5 से जस्ट छोटा, या 2 -2.5 आपका कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, तो इससे जस्ट छोटा इंटीजर आपका कौन सा है, सोचो, -2 नहीं है, -2 से जस्ट छोटा इंटीजर कौन सा है, -3 है, तो ये बाहर किसको देगा, -3 को देगा। जब हम इधर जाते हैं तो नंबर बड़े बड़े होते जाते हैं, लेकिन जब नेगेटिव में क्या होता है, ये बड़ा है, फिर ये छोटा है, ये छोटा है, ये उससे छोटा 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 होता जाता है, तो -2.5 से जस्ट छोटा इंटीजर -3 है, क्योंकि -2 -3 में से कौन कौन बड़ा नंबर है, -2 बड़ा है, -3 छोटा है। तो सेम एक और देखो नेगेटिव वाला, मैंने जैसे डाला माइनस का 0.8 डाला, तो माइनस का 0.8 यहाँ पर आएगा, तो इससे जस्ट छोटा इंटीजर कौन होगा, ये वाला होगा -1, तो ये इस तरीके से काम करता है, जब आप यहाँ पे वैल्यू डालोगे तो ये इस तरफ चलेगा, और इधर डालोगे तो ये इस तरफ चलेगा, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे देखनी है। तो आपने यहाँ पे क्या देखा कि हम इस मिस्ट्री बॉक्स के अंदर, हमारे मैजिक बॉक्स के अंदर, यहाँ पे जब हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, हमारा एफ एक्स है, यहाँ पे क्या है, इसको हमने बताया स्क्वायर ब्रैकेट एक्स डाला, तो इसके अंदर अगर हम यहाँ पे इंटीजर्स डालते हैं, लाइक 2 डाला, तो ये इंटीजर ही बाहर देगा, अगर मैंने इंटीजर में चाहे नेगेटिव डालो पॉजिटिव डालो, ये एज इट इज नंबर देगा, 0 डाला तो ये 0 ही बाहर दे देगा, नेगेटिव मैंने 1 डाला तो ये -1 ही बाहर यहाँ पे दे देगा। लेकिन जैसे ही आपने यहाँ पे नॉन इंटीजर्स नंबर डाले हैं, चाहे √2 ले लो, चाहे डेसिमल नंबर ले लो, तो नॉन इंटीजर नंबर आप जैसे ही यहां पर डालोगे, तो ये उसको भी उससे जस्ट छोटे इंटीजर में चेंज करेगा, 2.2 से जस्ट छोटा 2 हो गया, देन एक नेगेटिव लेते हैं -2.5 लेते हैं, तो -2.5 से जस्ट छोटा यहाँ पे -3 हो गया, तो ये इसका बिहेवियर है। एक्सेप्ट तो ये सारे रियल नंबर कर रहा है, लेकिन आंसर में ओनली इंटीजर ही दे रहा है, इसीलिए इसको हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं, समझ में आ गया। तो इनपुट तो यहाँ पे सारे ही रियल नंबर है, यहाँ पे एक्स, यहाँ पे रियल नंबर के अंदर जितने भी नंबर है ये सारे नंबर को एक्सेप्ट करता है, लेकिन आउटपुट में ये ओनली इंटीजर देता है, तो इंटीजर में मीन्स की जेड, हमें आंसर में ओनली जेड मिलेगा, लेगा तो ये आर से, लेकिन आंसर हमें आउटपुट जो देगा वो हमेशा यहाँ पे क्या देगा, हमें जेड देगा, इंटीजर्स ही हमें यहाँ पर मिलेंगे, तो समझ में आ गया, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहते हैं। अब यहाँ से आप डोमेन लिख सकते हो, तो डोमेन हम यहाँ से इजीली लिख सकते हैं, डोमेन में ये सभी तरह के नंबर एक्सेप्ट कर रहा है, तो यानी कि -∞ से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक सारे नंबर ये ले रहा है, दैट मीन्स ये यहाँ पे क्या हो गया, आर हो गया, रियल नंबर हो गया, लेकिन रेंज यहाँ पे क्या आएगी, रेंज में ओनली ये आपको इंटीजर नंबर दे रहा है, तो इंटीजर नंबर को हम यहाँ पे किसे डिनोट करते हैं, जेड से डिनोट करते हैं, तो जेड मतलब सेट ऑफ इंटीजर, तो ये इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का काम है, मशीन के अंदर जो भी नंबर आ रहा है आने दो, लेकिन जब भी नॉन इंटीजर इंटीजर नंबर आएगा तो एज इट इज बाहर कर देगा, लेकिन जैसे ही उसमें नॉन इंटीजर नंबर आया तो ये उसको भी इंटीजर में चेंज कर देगा, समझ में आ गया। अब इसका ग्राफ देखते हैं, देखो ग्राफ इसका थोड़ा सा टफ है, इसलिए इसको अच्छे से समझना, तो ये हमने यहाँ पे एक्सेस ड्रॉ कर लिया, तो एक चीज यहाँ पे देखो, ये जो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है या स्मॉल ब्रैकेट किस तरह से काम करता है, तो इसके अंदर आप कोई भी वैल्यू डालो, इसके अंदर आप कोई भी वैल्यू डालो, यहाँ पे एक्स की कोई भी वैल्यू डालो, इसका आंसर इनपुट में आप चाहे कुछ भी डालो, आउटपुट हमेशा क्या होगा, या तो अंदर जो वैल्यू डाली है उसके इक्वल आएगा, या उससे हमेशा यहाँ पे क्या होगा, छोटा होगा। जैसे मैंने 2 डाला, जैसे मैंने यहाँ 2 डाला तो मुझे 2 ही दे देगा, तो इक्वल हो गया, मैंने 2.5 डाला यहाँ पर तो ये 2 देगा, तो इसका मतलब ये छोटा हो गया ना, मैंने 2.3 डाला तब भी छोटा होगा, मैंने 2.5 डाला तब भी ये आंसर हमेशा क्या देगा, 2 ही देगा। अब यहाँ पे देखो, मैं इस ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे इनपुट क्या क्या रख सकती हूँ, क्योंकि मुझे ग्राफ बनाना है तो मैं एक एक चीज के लिए देख रही हूँ, तो ये यहाँ पे देखो इसके अंदर अभी मैं डाल रही हूँ, लाइक कि मैंने डाला यहाँ पर
मैंने डाला यहाँ पे वन वन डाला, देन मैंने 1.1 डाला, देन मैंने 1.2 डाला। इसके बीच के और भी नंबर आप यहाँ पे डाल सकते हो क्योंकि हमारे पास दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। तो 1.3 डाला, 1.4 डाला, 1.6 डाला, 1.7 डाला, 1.8 डाला, 1.9 डाला और उसके बाद में मैंने यहाँ पे 2 डाला। तो आप मुझे बताओ इन सारे नंबर्स पे ये क्या आउटपुट देगा। मैंने 1 डाला तो ये बाहर 1 ही दे देगा। 1.1 इसके अंदर डाला तो 1.1 से जस्ट छोटा इंटीजर 1 है तो भी ये मुझे 1 देगा। 1.2 डाला तब भी ये इससे जस्ट छोटा है क्योंकि इसका बिहेवियर है, जो सब लोग अपने बिहेवियर के अकॉर्डिंग काम करते हैं तो ये फंक्शन भी अपने बिहेवियर के अकॉर्डिंग ही काम करेगा। तो 1.2 डालते ही ये छोटा इंटीजर देगा, यहाँ पे 1.3 पे 1 देगा, 1.4 पे भी 1 देगा। तो इनको ये जब भी इसके अंदर कोई आता है इससे जस्ट छोटा इंटीजर दे दे। तो मैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक इन बीच के जो भी नंबर मैं यहाँ पे डाल रही हूँ ये हमेशा इनपुट में, तो यहां से लेके यहां तक सारे नंबर आएंगे 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, यानी इनके बीच के इनफाइनाइट रियल नंबर में डाल सकती हूँ 1 से लेकर के यहां तक। 1 तो इंक्लूड हो रहा है ना, 2 इंक्लूड नहीं हो रहा है क्योंकि जैसे ही आपने यहाँ पे 2 डाला और इसका आउटपुट चेंज होकर 2 हो जाएगा। तो 1 से लेके यानी 1 से स्टार्ट करके 2 से जस्ट बिफोर के जितने भी नंबर आपको डालने आप डालो ये आंसर हमेशा क्या देगा, 1 ही देगा। और लेकिन जैसे ही आपने 2 कर दिया तो 2 करते ही आंसर अपना चेंज करके 2 कर देगा। तो इसका मतलब इसका ग्राफ यहाँ पे कैसा हुआ, तो इसका ग्राफ इस तरह से होगा लेकिन 1 से लेकर के ये सारी वैल्यू को यहाँ पे एक्सेप्ट करेगा। देखो एक्स वन तो भी वाई आपका यहाँ पे कितना हो रहा है, 1 हो रहा है, तो ये पॉइंट बोला है। एक्स 1.1 है तब भी आपका वाई यहाँ पे 1 है, एक्स 1.2 है तब भी वाई 1 है, एक्स 1.3 तब भी 1 है, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 तक आपका यहाँ पे 1 है। तो ये ग्राफ आपका ऐसे बन जाएगा लेकिन 2 होते ही ये आंसर अपना क्या कर देगा, 2 कर देगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 1 से 2 तक ये लाइन ड्रॉ कर रहे हैं लेकिन 2 के ऊपर हम ओपन सर्कल बना रहे हैं। ओपन सर्कल का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये 2 को इंक्लूड नहीं कर रहा है, बाकी ये ग्राफ आपका चलता रह रहा है। इनके बीच की जितनी भी वैल्यू 1 से लेकर के 2 से जस्ट बिफोर की जितनी भी वैल्यू है वहां पे ये आंसर 1 दे रहा है लेकिन 2 होते ही ये 2 को इंक्लूड नहीं कर रहा है। तो ये इस तरह से हमारा ग्राफ बनेगा। फिर अगर यही हम यहाँ पे 2 के लिए देखें कि मैं 2.1 रखूं, अगर मैंने 2 रखा तो मुझे आंसर ये यहाँ पे ये क्या देगा, मुझे आंसर ये देगा यहाँ पर 2 देगा। तो ये ग्राफ हमारा यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, 2 पे 2 दे रहा है, फिर 2.1, 2.2, 2.3, 3 से जस्ट छोटी वैल्यू में आप जो वैल्यू रखते जाओ ये आंसर मुझे 2 ही देगा लेकिन जैसे ही मेरा यहाँ पर 3 आया और ये 3 को इंक्लूड नहीं करेगा। तो हम इसीलिए हम यहाँ पे ओपन सर्कल बना रहे हैं। तो इसका ग्राफ इस तरीके से काम करता है। फिर 3 से लेकर अगर मैंने 3 रखा तो ये मैंने एक्स यहाँ पे 3 रखा तो वाई भी मुझे यहाँ पे क्या देगा, 3 देगा। तो यहाँ से स्टार्ट हो गया। फिर 4 से जस्ट बिफोर तक जितने भी पॉइंट है वहां तक तो मुझे आंसर 3 देता रहेगा और जैसे ही मेरा यहाँ पे पुट करते 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 मेरा 4 आ गया तो 4 पे ये आंसर 3 नहीं देगा। तो इसमें हम 4 को यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। तो ये ऐसा ग्राफ होगा। अब सेम हम नेगेटिव वैल्यू के लिए देखते हैं। मैं यहाँ पर 0 से लेकर के यहाँ तक वैल्यू रखती हूँ, मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक वैल्यू रखती हूँ, यानी माइनस का यहाँ पे 0.8 रखूँ, माइनस का 0.9 रखूँ, माइनस का 0. यहाँ पर मैं 3 रखूँ, 0.4 रखूँ, तो इससे जस्ट छोटी वैल्यू क्या देगा, -1 देगा। लेकिन जैसे ही ये 0 हो गया तो 0 पे तो ये 0 दे देता है इसको, तो यही, तो इसका मतलब इसको यहाँ पे ये इंक्लूड नहीं, एक्स इक्वल टू मैं -1 रखती जा रही हूँ ना, तो वैल्यू यहाँ से देखो -1 रखा तो मुझे -1 ही देगा लेकिन मैं यहाँ से आगे आगे वैल्यू पुट करती जा रही हूँ, यहाँ से पॉइंट के अंदर वैल्यू करती जा रही हूं। तो ये यहां पे इसको हम यहां पे इंक्लूड नहीं करेंगे। बाकी इन सारी वैल्यू के लिए ये आंसर यहां पे मुझे क्या देगा, ये मुझे -1 देगा। देखो मैंने यहां पे रखा, मैंने यहाँ पे रखा 0. यहाँ पे रखा मैंने, यहाँ से देखते देखो माइनस का 0. -1 रखा तो मुझे आंसर -1 मिल जाएगा, ठीक है। माइनस का 0.8 रखा तब भी -1 मिलेगा, माइनस का 0.9 रखा तब भी -1, माइनस का 0.3 तब भी -1, माइनस का 0.4 तब भी -1, इसी तरीके से हमें आंसर मिल रहा है लेकिन यहाँ पे एक्स इक्वल टू -1 होते ही मुझे यहाँ पे ये -1 दे देगा लेकिन x इक्वल टू 0 पे मुझे ये -1 नहीं देगा, x इक्वल टू 0 पे ये मुझे क्या देगा, 0 ही देगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे -1 को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। फिर आगे की वैल्यू को अगर आप यहाँ देखो तो माइनस का 1. x इक्वल टू -1 है तो -1 पे यहाँ पे आपको क्या, सॉरी -2 से हम यहाँ पे देखते हैं, x इक्वल टू -2 है तो y इक्वल टू भी मुझे -2 ही देगा।
फिर माइनस का 2.1 रखोगे तब भी माइनस टू देगा, फिर एक्स इक्वल टू माइनस 2.3 रखोगे तब भी आपका ये ऐसी एज इट इज वैल्यू देता रहेगा, और एक्स इक्वल टू कम करते करते अगर आप यहाँ पे माइनस वन के ऊपर आ गए तो ये यहाँ पे माइनस टू ना दे करके क्या देगा, माइनस, तो इसीलिए हमने यहाँ पे इसको एक्सक्लूड कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये ग्राफ बनेगा। तो ये इस नंबर से लेकर के इससे जस्ट बिफोर वाली जितने भी नंबर है उनको अगर आप देखोगे तो ये माइनस टू आंसर देगा, लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे माइनस वन पे आ गए तो एक्स इक्वल टू माइनस वन पे ही आपको माइनस टू आंसर नहीं देगा, एक्स इक्वल टू माइनस वन पे ये क्या आंसर देगा, माइनस वन देगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पे इसको एक्सक्लूड कर दिया। तो इस तरह से इसका बिहेवियर होता है। तो समझ में आ गया, डोमेन हो गया, रेंज हो गया, और ये आपका यहाँ पे ग्राफ भी हो गया। तो इसी तरीके से ये काम करता है। तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, अगर हम इससे नेक्स्ट पे जाते हैं तो फिर से हमें एक यहाँ पे स्टेप मिलेगी। तो ये स्टेप वाइज हम ऊपर जा रहे हैं, बिल्कुल सीढ़ियों की जैसा दिख रहा है ना, इसीलिए इसका एक और नाम है स्टेप वाइज फंक्शन भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आया, इसका बिहेवियर, डोमेन, रेंज और ग्राफ। तो देखो जैसे हमने मॉड्यूलस एक्स का फंक्शन बनाया था ना, तो यहाँ पे भी इसका कुछ फंक्शन बनाते हैं। तो ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या फिर जो स्मॉल ब्रैकेट एक्स है, ये माइनस वन कब देगा, तो माइनस वन आपका कहाँ पे, कहाँ से कहाँ तक की वैल्यू पे देगा, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू, एक्स इक्वल टू जीरो पे नहीं देगा, एक्स इक्वल टू जीरो पे आपका जीरो देगा। तो एक्स यहाँ पे क्या होना चाहिए, जीरो से लेस देन होना चाहिए, और माइनस वन से यहाँ पे क्या होना चाहिए, माइनस वन के इक्वल हो सकता है या फिर उससे क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, क्योंकि जस्ट छोटी वैल्यू देखता है ना। तो ये हो गया। अब यहाँ पे देखो ये हमारा फंक्शन जो है वो जीरो कब देगा, ये जीरो कब देगा आंसर, जब वैल्यू आपकी यहां से यहां तक के बीच में हो। तो यहाँ पे जीरो देने के लिए इसको क्या होना पड़ेगा, या वन से छोटा होना पड़ेगा, क्योंकि वन होते ही तो वन आंसर दे देगा। तो इसको क्या होना पड़ेगा, वन से क्या होना पड़ेगा, छोटा होना पड़ेगा, और बड़ा किससे होना पड़ेगा, बड़ा या इक्वल होना पड़ेगा जीरो के। तो अगर ये जीरो है तो जीरो दे देगा, या जीरो से थोड़ी सी भी बड़ी वैल्यू है यानी 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 के लिए आपको जीरो दे देगा। और यही मैं कुछ इस तरह से इक्वेशन लिख रही हूँ इसकी, और ये आपको वन कब देगा, तो आपका यहाँ पे देखो एक्स आपका वन से छोटा होना चाहिए, क्योंकि वन होते ही तो ये हमारा यहाँ पे वन आंसर दे देगा। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू वन पे, नहीं यहाँ पे टू आएगा, क्योंकि टू से छोटा होना चाहिए, क्योंकि टू होते ही तो ये टू आंसर दे देगा। तो जब ये जीरो था ना, तो देखो जीरो था तो वन से छोटा होना चाहिए, अब वन है तो ये टू से छोटा होना चाहिए, और वन के इक्वल होगा तब ये वन दे देगा। और वन से जब भी ये छोटी वैल्यू पे, वन से यहाँ पे, वन से बड़ी, जैसे 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 पे ये सारा आंसर क्या देगा, वन देगा। तो वन पे वन देगा, वन से बड़ी 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 वैल्यू पे आंसर वन देगा, लेकिन टू से छोटी होनी चाहिए, जैसे ही टू होगा तो आंसर हमें टू दे देगा। तो इस तरह से इसकी इक्वेशन बनती है, और इस तरह से आप पूरी सारे नंबर की इक्वेशन बना सकते हैं। तो मैंने आपको तीन इक्वेशन यहाँ पे बना के दिखा दी है। ठीक है, अब हम यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक हमारा देखते हैं, एलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन। तो इस वाले टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि हम दो रियल फंक्शन को, दो रियल फंक्शन है हमारे पास, उनको हम कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैसे उनका मल्टीप्लाई करते हैं, और कैसे उनका डिवाइड करते हैं। तो ये चीज हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो इसमें फर्स्ट हम देखते हैं एडिशन हम कैसे करेंगे। तो एडिशन ऑफ टू रियल फंक्शन, तो लेट एडिशन ऑफ टू रियल फंक्शन, तो हम यहाँ पे ओनली रियल फंक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो लेट एफ हमारे पास कोई फंक्शन है जहां पे एक्स कहां से आ रहा है, आर, रियल नंबर से, एंड जी भी एक फंक्शन है जहां पे एक्स कहां से बिलोंग कर रहा है, आर से, बी एनी टू रियल फंक्शन। तो इनका एडिशन करो, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स क्या होगा, वही हम नॉर्मल जो करते हैं वैसे ही हमें ऐड करना है, बट थोड़ी सी डेफिनेशन यहाँ पे अलग होगी। तो हम इनको कैसे लिख सकते हैं, एफ प्लस जी और एक्स हम इस तरह से बाहर लिख सकते हैं, एफ प्लस जी और ये एक्स हो गया हमारा बाहर, जहां पर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। ठीक है, जहां पर एक्स कहां से आ रहे, सारे कैपिटल एक्स से आ रहे हैं। तो एक्स कहां से आ रहा है, कैपिटल वो आर से आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब इसको आपको एक एग्जांपल से समझे, एग्जांपल से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो लेट हमारा यहाँ पे जो एफ एक्स, आपको क्वेश्चन किस तरह से आएगा वो देखते हैं। लेट हमारा एफ एक्स एक्स स्क्वायर है, और जी एक्स हम यहाँ पे ले लेते हैं, जी एक्स हमारा यहाँ पे 2x+1 है। तो आपको क्वेश्चन में कहेंगे आप फाइंड करके बताओ, एफ प्लस जी एक्स फाइंड करके बताओ, आपको ये नहीं कहेंगे कि आप इसको ऐड करके बताओ, आपको कहेंगे आप ये फाइंड करके बताओ। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ये कौन सा फंक्शन है, ये तो हमने देखा नहीं। तो अभी हमें, अभी तो समझा है, ये इसका राइट हम यहाँ पे लिख सकते हैं, एफ प्लस जी एक्स को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स ऐसे लिख सकते हैं। अब आपको यहाँ पे क्या हो गया, दोनों फंक्शन को ऐड ही तो करना है,
एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 हो गया। तो ये एफ एक्स हो गया और ये जी एक्स हो गया और ये हमारा यहाँ पे फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन किस तरह से पूछेंगे वो मैंने बता दिया। नाउ सेकंड, अब यहाँ पे देखते हैं सब्ट्रैक्शन। तो लेट एफ, एफ आपके कहाँ से आ रहे, एक्स, और एक्स की बिलोंग्स टू आर। एंड जी, जी आपका एक फंक्शन है जहां पे फंक्शन के अंदर जो एक्स है वो एक्स कहाँ से आ रहे, बिलोंग्स टू आर। बी एनी टू रियल फंक्शंस, और एक्स यहाँ पे क्या है, आर का सबसेट है। तो यहाँ पर भी जो आपका एक्स है वो किसका सबसेट है, आर का सबसेट है, यानी आर रियल नंबर में से इसके एलिमेंट आ रहे हैं। तो नहीं ना, अब यहाँ पे क्या देंगे, एफ एक्स माइनस जी एक्स हो जाएगा। तो एफ एक्स माइनस जी एक्स आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, वही जो यहाँ प्लस का साइन था अब वही क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो एफ माइनस जी और ये एक्स हो जाएगा, जहां पर सारे एक्स कहां से आ रहे हैं, कैपिटल एक्स से। तो वही इसी एग्जांपल को अगर यहां पे देखें तो आपको एक एग्जांपल, आपको क्वेश्चन पूछेंगे एफ माइनस जी एक्स फाइंड करके बताओ। अगर आपको डायरेक्ट ये पूछते हैं ना एफ एक्स माइनस जी एक्स करो तो आप इजीली लिख लोगे, लेकिन आपको कहेंगे आप एफ माइनस जी एक्स फाइंड करके बताओ। तो हमें पता है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एफ एक्स माइनस जी एक्स लिख सकते हैं। तो एफ एक्स माइनस जी एक्स यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे ब्रैकेट खोल लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2x हो गया, माइनस प्लस माइनस का 1 हो गया। तो इस तरीके से हम इजीली उसको सॉल्व कर लेंगे। नाउ थर्ड देखते हैं, तो मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर। तो स्केलर मतलब हमारे पास एक ही फंक्शन है और उसको किसी कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो फंक्शन हमारा एक्स बिलोंग्स टू आर, बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन, अल्फा बी अ स्केलर। स्केलर का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, कोई ना कोई रियल नंबर है। ठीक है, रियल नंबर में से कोई भी नंबर यहाँ पे हो सकता है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन आएगा कि अल्फा इंटू एफ एक्स फाइंड करके बताओ। तो अल्फा इंटू एफ एक्स को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं अल्फा इंटू एफ एक्स को अल्फा एफ और इस तरह से एक्स। तो अब आपको क्वेश्चन में ये नहीं कहेंगे, आपको कहेंगे ये फाइंड करके बताओ, आपको ये वाला लिख करके और यहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा। तो जहाँ पे सारे एफ एक्स और एक्स हमारे यहाँ से किससे आएंगे, कैपिटल एक्स से। ठीक है, तो वही हमारा अगर हम क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, किसी एग्जाम्पल को अगर हम देखते हैं, तो लेट एफ एक्स इक्वल टू, ठीक है, तो बुक में तो इसका कोई एग्जाम्पल नहीं है, बस समझने वाला है कि हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, अल्फा को यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे 2 x² + 1 हो गया, तो 2x² + 2 यहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरीके से हो जाएगा। नाउ थर्ड वन, अब यहाँ पे देखते हैं, थर्ड हमारा हो गया। नाउ फोर्थ वन देखते हैं, तो फोर्थ वन क्या है, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, अब दो बचे हैं मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। तो वही हमारे एज इट इज जैसे फंक्शन यहाँ ऊपर थे वैसे ही फंक्शन है, ओनली अब यहाँ पे लिख के देखो एफ ऑफ जी, आपको कोई भी दो फंक्शन कह देंगे, आपको जैसे ये दिया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, जी एक्स इक्वल टू 2x + 1 है, आपको कहेंगे एफ जी एक्स फाइंड करके बताओ। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे इसको इस तरह से लिख दोगे एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, इस तरह से लिख दोगे। तो वही हमारा अगर उसी एग्जाम्पल को हम यहाँ पे देखते हैं, तो ये एफ जी एक्स को हम यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करेंगे, एफ एक्स इंटू जी एक्स यानी कि एक्स स्क्वेयर इंटू 2x + 1 हो जाएगा। तो इस तरह से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 2x³ + x² हो जाएगा। तो सिंपल है, तो ये आपको ये दिया हुआ होगा, आप कहेंगे आप इसको फाइंड करो, दो दो यहाँ पे आपको फंक्शन दिए होंगे, कहेंगे ये फाइंड करके बताओ। तो इस तरह से आपको यहाँ पे फाइंड करना है। फिर लास्ट वन, फिफ्थ वन, तो नाउ क्वोशेंट ऑफ टू रियल फंक्शन। तो आपको कहेंगे एफ अपॉन जी एक्स, ये आप फाइंड करके बताओ। तो आप क्या कर दोगे, इसको एफ एक्स अपॉन क्या कर दोगे, जी एक्स कर दोगे। तो यही अगर हमारा एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे लेते हैं, तो आपको कहे कि एफ अपॉन जी एक्स आप फाइंड करके बताओ, तो हमें पता है ये क्या होता है, एफ एक्स अपॉन जी एक्स होता है। तो यानी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपका हो जाएगा 2x + 1 हो जाएगा। तो इस फंक्शन के लिए आप यहाँ पे क्या करोगे, अगर इस फंक्शन को बने रहना है तो डिनोमिनेटर आपका जीरो नहीं होना चाहिए। क्या आप कहोगे, जी एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो जी एक्स अगर नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, दैट मीन्स कि कौन सी वैल्यू होगी, तो 2x + 1 इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो यानी 2x = क्या हो गया, -1। 2x इज नॉट इक्वल है, नॉट इक्वल टू -1 हो गया। तो दिस इंप्लाइज एक्स इज नॉट इक्वल टू -1/2, यानी कि एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या नहीं होनी चाहिए, -1/2 नहीं होनी चाहिए। बाकी सारी वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर सकते हो, बस एक्स की जगह माइनस का 1/2 यहाँ पे नहीं पुट करना है। तो ऐसे हमारे फंक्शंस आएंगे जिनके हम डोमेन रेंज सब फाइंड करेंगे, सभी तरह के फंक्शन आएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जहाँ पे आपको सीधा सीधा ये दे देंगे, ये दिया हुआ ये फाइंड करो, ये दिया हुआ ये फाइंड करो। तो आपको इसको एक्स को इसके साथ बस कुछ नहीं करना है, एक बार इसके साथ लिख देना, एक बार इसके साथ लिखना है। एडिशन में लिखा, सब्ट्रैक्शन में लिखा, मल्टीप्लीकेशन में हमने यहाँ पे लिखा, और डिविजन में भी हमने एज इट इज इसको लिख लिया।
तो यहाँ पे हमारा पूरा इंट्रोडक्शन हो जाता है खत्म। अब उसके बाद हमारे एक्सरसाइज के दो क्वेश्चन बचे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 5, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व। तो इससे पहले, क्योंकि ये इस टॉपिक से, जो टॉपिक अभी हमने इस वाले वीडियो में किया है उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, डायरेक्ट आपको पूछेंगे एक्सप्लेन मॉड्यूलस फंक्शन, एक्सप्लेन सिग्नम फंक्शन। तो ये चीजें आपको बिल्कुल एकदम माइंड में क्लियर होनी चाहिए। फंक्शन आपको पता होना चाहिए, उसका बिहेवियर आपको पता होना चाहिए। दो चीज अगर आपको पता है तो डोमेन, रेंज, और आप यहाँ पे उसका ग्राफ इजीली बना पाओगे। ठीक है, थैंक यू।